बहुत अच्छा गाँव है, आप लोग बहुत मिलजुल के रहते हो। बिल्कुल, हम रहते हैं। खुशी मिली, दो दिन मैं यहाँ पे रहा। भाई साहब क्या बना रहे हो? इसमें दाल है भाई साहब। अच्छा जी, कौन सी दाल है? ये भैंस की दाल और शिमला की, मतलब गांव राजमा बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। लोग बोलते हैं। अच्छा अच्छा, और तो आज क्या है, मतलब किस लिए बना रहे हो दाल? ये ऐसे सारे ग्राम भोज के लिए और जितने में बराती है। अच्छा, शादी है मतलब यहाँ? अच्छा, तो हमारे गाँव में शादी है। इसको क्या बोलते हैं जो पूरा है? गेड़ा बोलते हैं, गेड़ा गढ़वाली भाषा में। अच्छा, गेड़ा पुराना। तो इसमें केवल दाल बनाते हो आप? हाँ, दाल एकदम गलते है इसमें सर। अच्छा, कौन सी दाल बोला आपने? रेंस की दाल और रेंस की दाल और राजमा। तो इसमें कितने दाल होगा लगभग इसमें? मतलब 1000 आदमी तक खा सकते हैं। 1000 आदमी? हाँ। तो बहुत सही है यार, ये तो अलग अलग हाँ। पतीलों में बनाने के बजाय आप एक ही में बना लेते हो। हाँ। तो स्वाद कैसा होता है इसका लगभग? इसका स्वाद एकदम बेस्ट, इसका जैसे प्रेशर कुकर में दाल बनाते हैं तो उसका अच्छा स्वाद आता है इसमें। इसका स्वाद? हाँ। तो 1000 लोग खा लेंगे। हाँ। दाल कौन सी बोली थी आपने, मैं भूल गया, सॉरी। रेंस की दाल। अच्छा, कितने किलो रेंस डाला होगा इसमें लगभग? इसमें लगभग 10 किलो रेंस। 10 किलो? 20 किलो रेंस है। हाँ। और 5 राजमा। अच्छा, मसाले में क्या क्या यूज किया आपने कि स्वाद इसलिए आता होगा? कुछ तो मसाले यूज करते होंगे आप, मसाला, नमक, मिर्च, मसाला। नमक, मिर्च, जैसे घर के ये मतलब मिर्च कुटा हुआ, धनिया अच्छा, कुटा हुआ। अच्छा अच्छा, ये रखा बाजार में मिक्स मसाला आ रहे तो अच्छा, डालते हैं सारे। बहुत सुंदर है। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मनवर सिंह। अच्छा, गांव का नाम क्या है? बेड़ी तल्ली। बेड़ी तल्ली। तो यहाँ के सारे लोग हमेशा सारे फंक्शन में ही काम करते हैं, मिलजुल के सारा, आपसी भाईचारा, बहुत अच्छा है। तो यार बनाते रहिए तो बहुत अच्छा है। तो हम बताएंगे आपको यार, कभी हमें भी खिलाना ये चीज, आएंगे कभी यहाँ तो है। हाँ ठीक है, खिला देंगे आपको भी, आज देख लेना आप कैसे स्वाद आता है इसमें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। प्रणाम सर। प्रणाम। तो क्या नाम है आपका? हमारे नाम है श्री श्याम सिंह नेगी जी। श्याम सिंह नेगी, ग्राम बेड़ी तल्ली। अच्छा, आप बेड़ी तल्ली से हो? जी 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 जी। तो इस गांव में लगभग कितने परिवार रहते होंगे? परिवार तो अनुज परिवार लगभग 40-45 परिवार होगा इस गांव में। 40-45? जी जी जी। और तो गांव के बारे में कुछ बताओ, मैं तो आया हूँ यहाँ पे। जी, तो कैसा गांव है, कितने बच्चे हैं, लोग नौकरियों पे कहाँ है? श्री सिंह नेगी के जो पुत्र है कुंदन सिंह, और क्या बोलते हैं उनका नाम, बड़े पुत्र का नाम क्या बोलते, सॉरी, चन्नू, चन्नर सिंह नेगी। अच्छा, आज भी रहते हैं एक अच्छा, आर्मी आर एल में अच्छा, रहते हैं अच्छा। और एक समर सिंह के लड़का जी अच्छा फार्मेसिस्ट थे, और दूसरा लड़का उनका उसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं उसके लिए, सॉरी, CSF में। CSF, जी जी जी। और एक ईश्वर सिंह, हम घर में डॉक्टर साहब बोलते हैं अच्छा, कलवाली भाषा में। अच्छा अच्छा, डॉक्टर उनका लड़का। जी जी जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, गांव काफी तरक्की कर रहा है ना। जी जी। तो मुझे भी अच्छा लगा गांव आके, काफी सुंदर गांव है। मैं भी 2-3 दिन रहा यहाँ पे तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने, मेरा मन किया कि मुझे यहाँ के लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारी भी जन्मभूमि है ये। जी जी जी। बहुत पसंद है हमारी मिट्टी, हमारा पानी, हमारे पहाड़। जी जी जी। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे दिनचर्या कैसे कैसे चलती है, लोग क्या काम धंधा कैसे चलता गांव में? जी, दिन झाड़ी करते हैं। झाड़ी करते हैं? जी 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 जी। और पोंगड़ा ओंगड़ा इसमें कुछ होता भी है यहाँ पे? थोड़ा सब्जी, दाल। सब्जी तो कुछ होता नहीं सर। सब्जी कुछ होता नहीं है? नहीं जी जी। अच्छा, कुछ होता नहीं। अच्छा। थोड़ा उसमें साटी बोलते हैं, धान बोलते हैं। अच्छा। थोड़ा बहुत गेहूँ होता है। अच्छा। कोदा झुंगोरा। अच्छा। गैत भट्ट बोलते हैं गढ़वाली भाषा में। अच्छा जी, मातृभाषा हमारी गढ़वाली। थोड़ा बहुत ही होता, कुछ खास नहीं होता है ना? जी जी, बेचने के लिए नहीं होता, अपने खाने के लिए पूरा नहीं होता सर। खाने के लिए पूरा नहीं होता? पूरा नहीं होता। तो आपको सरकार भी वो करती है, मदद करती है सरकार? कभी कभी करती है सरकार, मदद करती है। मोदी सरकार करती है सर, मोदी सरकार मदद करती है। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। अच्छा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, बच्चे स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई ठीक करते हैं यहाँ पे? जी करते हैं। स्कूल कहाँ है यहाँ, कितनी दूर है स्कूल? जी हमको स्कूल, प्राइमरी स्कूल है सर हमारा, 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा। उसमें हमारे बच्चे चढ़ाई भी नहीं चढ़ पाते हैं, तो बहुत दिक्कत है बच्चों के। जी जी जी। और यहाँ से सर जो गुरु राम राय स्कूल है तो वो चांदपुर गढ़ी में है।
आदिबद्री में? जी जी जी। अच्छा, आदिबद्री से आगे चांदपुर गढ़ी, आदिबद्री से भी आगे चांदपुर गढ़ी। जी जी जी। तो दूर है बच्चों के लिए स्कूल तो काफी है ना? जी जी। तो हम उसमें बहुत किराया पड़ता है, बहुत मुश्किल है हालात मतलब। जी जी जी। है ना। अच्छा मुझे ये बात बताओ, ये गांव आपका जन्म कब का है, कितने साल हो गया आपको इस गांव में रहते हुए? जी मुझे तो लगभग 60 साठ तो साथ। आपके सामने कई लोग पुरानी जनरेशन के भी लोग रहे होंगे, बूढ़े लोग भी रहे होंगे है ना, तो आपने काफी लोग देखे होंगे, पुराने लोग भी देखे होंगे, बहुत पुराने लोग भी हैं भगवान की दुआ से। अच्छा, भगवान हमारे बद्री विशाल, भगवान में बहुत विश्वास करते हो ना? बद्री विशाल, बद्री विशाल। और हमारे यहाँ केदारनाथ में, केदारनाथ बाबा। जी जी जी। आप जाए थी? अच्छा, लेकिन हम उन्हें बहुत मानते हैं, एक गढ़वाल की जन्मभूमि सर। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जैसे नौकरी की भी हमने बात कर ली, शिक्षा की भी बात कर ली, जी जी जी, साफ सफाई ठीक है गांव में? साफ सफाई भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा गांव, काफी अच्छा, मिलजुल के रहते हैं, बिल्कुल आपसी भाईचारा। जी जी, आपसी भाईचारा। तो मैं भी आया, मुझे बहुत सुंदर लगा जी। कुछ कुछ चीजें जहाँ पे हमें काम भी करना है। अच्छा ये बताओ जी जी, पानी की सुविधा ठीक है जी? पानी की बहुत ही यहाँ पे असुविधा है, असुविधा है। अब मेरे बच्चा एक छोटी सी एक झोपड़ी बना रहा है, पानी की बहुत असुविधा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल मैं गया था वहाँ पे भांगरा पे, जी, तो बच्चे यहाँ से कपड़े धोने वहाँ जाते हैं जी, हम पानी लेने के लिए वहाँ जाते हैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जी। मैं 60 वर्ष का आदमी, अरे जाएगा 40 लीटर का पानी का कैन लेके बोग रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, उसमें तरह कर सर, बहुत मुश्किल है जी, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? कमर में दर्द हो रहा है। अच्छा, अगर मैं तरह नहीं करूँगा तो मेरा सीमेंट उखड़ जाएगा। अच्छा, अल्ट्राटेक सीमेंट डाला सर, अल्ट्राटेक जी, पानी तो बहुत जरूरी है। रोजगार का मुख्य साधन क्या है? रोजगार है बच्चों के पास यहाँ? बच्चों के पास कोई रोजगार सुविधा नहीं है जी जी, कोई रोजगार, कोई सही असुविधा रोजगार की है ही नहीं। कोई फैक्ट्री नहीं यहाँ पे, कोई कंपनी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, नहीं है। अच्छा कॉलेज नहीं है जो हमारे बच्चे, कॉलेज नहीं है जी जी, कॉलेज नहीं है, कॉलेज नहीं है। कर्णप्याक से और गैरसैंण के बीच में कोई कॉलेज नहीं है? कर्णप्याक रह गया डिग्री कॉलेज और गैरसैण से आगे रह गया सर। तो क्या कैसे बच्चे कैसे पढ़ेंगे आगे जी? आप माँ बाप के पास किराया नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। फिर कॉलेज नहीं है तो पढ़े तो कहाँ पढ़े? कहाँ पढ़े सर? अच्छा जो बाहर कोर्स करने जाएंगे वहाँ लाखों रुपए चाहिए, तो कहाँ से लाएगा जी? कहाँ से लाएंगे, गरीब आदमी है जी। इस गांव में कितने बुजुर्ग लोग होंगे अभी जिनका 60, 62, 65, 70 इतना उम्र, सबसे बुजुर्ग लोग जी कितने होंगे? बुजुर्ग लगभग 40-45 साल में होंगे। 40-45 जी जी। अच्छा सबसे ज्यादा उम्र के कौन होंगे? सबसे ज्यादा उम्र के होंगे यहाँ पर बसंत सिंह नेगी जी। अच्छा, गणेश सिंह नेगी जी। अच्छा जी जी, सफर सिंह नेगी जी। अच्छा, तो ये लोग घर ही पे रहते हैं? घर पे रहते हैं, अपने बच्चे नातियों के साथ में जीवन यापन। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग कुछ बजा रहे हैं यहाँ पे जी, ये जी। क्या है जो बजा रहे हो जी? जी जी हाँ, तो घुड़के के बारे में हमें बताओ थोड़ा सा, कौन इसको बजाता था यहाँ पे, कैसे ये बनता है और कब ये बजाया जाता है, इसके बारे में बताओगे थोड़ा? जी ये तो बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग थे जी, तो हमारे यहाँ पर एक प्राथमिक जो है कि हमारा देवता होता है। अच्छा, गढ़वाल का नियम जो है, तो सारे यहाँ पर गढ़वाल का नियामक है, तो देवता आता है हमारा। अच्छा जी, तो नाचते हैं सर। अच्छा जी, हमें बहुत खुशी होती है। तो आप देवता को पूछते हो जो जी जी जी, तो इसका नाम क्या है जिसको बजा रहे हो जी? उसका नाम होता है हुड़का। हुड़का, हुड़के के साथ में जो रख रखी दूसरी, वो क्या है? वो थाली, 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 हुड़का और थाली, थाली जी जी। अच्छा, एक बगल में जो इंसान भी बोल रहा है उसके साथ जी जी, इसमें पूरी कहानी सुनाई जाती है जी जी, वो उसकी कहानी है सर, पूरी कहानी है जी जी जी, इसी में देवता आता है जी जी जी, है ना जी जी। चलिए तो सुनते हैं हम कैसे कैसे। धन्यवाद धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हाय, आज ये है सुबह घड़ी पन कन सभा सजे चहो गजा। अरे बेड़ी ग्राम सभा में हर जिदी ने प्यो हो प्रात को टेम आयो, आज तक होने हने कार्य नि हो जने आज होयो, इहे न रहो अयण
आए कन्हे ताला सुर हो मिलना लग्यो चाहो ना दे तुम जाने ना ना ते हम जाने ना क्या पता हरदेत्री देव जेते सकोटे देवी र देवता हमारी ये लीला का आरंभ ल्योन लग्या वाला नारायण भाई हे 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 गोविंद आज जो की है ब्याह होय निवे ये है बात है स्वयंवर में निकालोला जने के है महाभारत में महाभारत में है द्रौपदी है स्वयंवर होयो बहुत धन्यवाद मन है रे बात है हाँ निकालोला लेकिन सुबह घड़ी चाहो सुबह आश्री हवा दे दी हाँ भगवान विष्णु हाँ भगवान तेरी त्रिदेवी है लो हे नरह हरियाणा हाय तो ना तो इधर जब के हर सौ भाई एक और अप है पांच हर भाई है पंड पर है ये हे नरह हरियाणा हाय अब चलेगा हर्ष से है द्रौपदी है स्वयंवरो जनो उन्होंने है पता कि हाँ पांच भाई है पंड पर जिंदा होला हाय सबने है पता कि है वो है दुनिया हमारी होला हाय ये है नरह हरियाणा हाय अरे कन सभा सजी चो करो पाके पांच भाई है पंड पहुंचे एक खन सभा सजे चाय बने लग गया चाय ये जो ये है मच्छे को आंख है भेदल होय आज ये है गांडवी है धनुष जन होलो गांडी हो दहरी होलो तथा होली की है जो तलवार से तेज धार होलो पंचा होली की सुंदर महा तेज होलो ये हे नरह ये नरह इन सब महा सम्मिलित तो होएगा पांच भाई है पंड पहो अब मैं जिगे यख बिठी बिठ्या होला यानी श्याम सिंह जी तुम ते निवेदन करने लग्यो छ अब तुम वेद व्यास को रूप मा आमंत्रित हुए कने हे नरह अग्न की कथा सुन लो।